त्योहार कोई सा भी हो, एक चीज हर त्योहार में बिल्कुल सेम है और वो है मिलावट। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है उसी तरह मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। मिलावटखोरों को आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मतलब है तो केवल अपने मुनाफे से। ऐसे में नकली मिठाइयों की पहचान करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो आप एक मिनट में नकली मिठाइयों की पहचान कर लोगे, क्योंकि नकली मिठाइयों का सेवन आपकी सेहत को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ऐसे में ये वीडियो हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, मिठाई में भर भर कर मिलावट की जाती है और इसी मिलावट से बचने के लिए कुछ लोग मिठाइयों की जगह चॉकलेट, ड्राई फ्रूट या फिर नमकीन और कुकीज गिफ्ट करने लगे हैं। अगर पूजा के लिए आपको मिठाई खरीदनी है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले मिठाई चेक कर लें। इस तरह मिठाई और मावे में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। दरअसल मिठाई बनाते वक्त दूध में मावा, चांदी के वर्क, चीनी या तेल और घी में मिलावट की जाती है। कुछ लोग चांदी के वर्क में एल्यूमिनियम मिक्स कर देते हैं, दूध में यूरिया कलर और वॉशिंग पाउडर मिला दिया जाता है, घी में चर्बी मिला देते हैं और मावा में अखरोट और मैदा मिक्स किया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप नकली मिठाई की पहचान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके रंग से पहचान करनी होगी। बाजार में रंग बिरंगी मिठाइयां खूब बिकती हैं। इन मिठाइयों में हानिकारक कलर मिक्स किए जाते हैं। वैसे तो आपको रंग वाली मिठाई खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो मिठाई का एक पीस लेकर हाथ में चेक कर लें। अगर हाथ में रंग लग रहा है तो समझो कलर बहुत मिक्स किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मावा में सबसे ज्यादा मिलावट पाई जाती है। इसका आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए फिल्टर पर आयोडीन की 2 बूंदें डालकर अगर रंग काला होने लगे तो समझो मिलावट है। अगर खोया बहुत दानेदार है तो इसमें मिलावट हो सकती है, क्योंकि शुद्ध खोया काफी चिकना होता है। साथियों, मिठाई पर लगने वाला वर्क भी मिलावटी और नकली हो सकता है। इसकी पहचान करने का तरीका है कि आप मिठाई पर लगे चांदी के वर्क को जलाकर देखें। अगर असली वर्क होगा तो ये जलने के बाद भी छोटी गोली जैसा बन जाएगा। अगर नकली वर्क होगा इसका रंग ग्रे कलर का हो जाएगा। साथ ही दिवाली पर मिठाइयों की इतनी डिमांड होती है कि कई दिनों पहले ही बनाकर तैयार हो जाती है। अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसे चख कर देखना चाहिए। अगर स्वाद में कुछ भी खराब लगे या मिठाई ज्यादा कड़ी हो तो ये पुरानी या बासी हो सकती है। वहीं केसर वाली मिठाई को पानी में डालकर चेक कर लें, रंग निकले तो ये केसर नहीं कलर है। साथियों, सेहत आपकी है, लिहाजा आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। ऐसे में अगर आप नकली मिठाइयों का सेवन करेंगे तो इससे आपकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। नकली मिठाइयों के सेवन से बचें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।